Hey friends, hello, welcome once again. I am Dr. Alianwar Qureshi और आज एक बहुत ही अच्छे एंटीबायोटिक के बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ और एक नए ग्रुप के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, क्यूनिलोन्स ग्रुप, फ्लोरोक्विनोन्स। और ये ग्रुप दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारे लिए और मेडिकल फील्ड के लिए और पेशेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ऐसा एक ग्रुप है और इस ग्रुप के बारे में आज हम डिटेल बात करेंगे। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, रेड बटन दबाइए और उसके बाजू का बेल आइकन दबाइए और हमसे जुड़े रहिए दोस्तों। तो आज का जो मैं एक ग्रुप बताने वाला हूँ और उस ग्रुप के साथ आज जो है मैं उसके ग्रुप के कंटेंट के बारे में बात करने वाला हूँ। ग्रुप में कौन कौन से मेडिसिन आते हैं, कंटेंट कौन कौन से हैं और उसी के साथ दोस्तों मैं आपको एक बहुत ही अच्छी टैबलेट के बारे में भी आज जानकारी देने वाला हूँ। तो क्यूनिलोन्स ग्रुप के बारे में मैं जैसा बताया तो आप समझ ही गए होंगे कि आज मैं ओफ्लॉक्सेसिन, लीवोफ्लॉक्सेसिन, मॉक्सीफ्लॉक्सेसिन, सिप्रोफ्लॉक्सेसिन और नाइट्रोफ्यूरेंटियन इस सभी ड्रग्स के बारे में थोड़ी थोड़ी मालूम देने वाला हूँ। और सब में ज़्यादा आज मैं जो है एक टैबलेट भी बताऊंगा, वो फ्लॉक्सेसिन। बट हर टैबलेट के बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी मैं आपको दे दूंगा कि कौन से कंडीशन में कौन सी टैबलेट देनी चाहिए। और ओफ्लॉक्सेसिन और लियोफ्लॉक्सेसिन तो मैं एज ऑफकोर्स मेरे फेवरेट हैं ही, बट बाकी के कंडीशन में भी कौन सी टैबलेट्स दिए जा सकती है उसके बारे में मैं आपको डिटेल बताऊंगा फ्रेंड्स। तो होप आप मेरे पूरे वीडियो को देखेंगे और वीडियो को स्किप नहीं करेंगे और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे फ्रेंड्स, थैंक यू। तो स्टार्ट करते हैं क्यूनिलोन्स ग्रुप को। तो ये जो ग्रुप है फ्रेंड, ये एक बेस्ट एंड बेस्ट ग्रुप है फ्रेंड। और इस ग्रुप के एंटीबायोटिक जो है ये ग्राम नेगेटिव पे भी काम करते हैं और ग्राम पॉजिटिव पे भी काम करते हैं फ्रेंड्स। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया और ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया, ऐसे दो प्रकार के बैक्टीरिया होते हैं। और एक बात बताऊंगा मैं, एम्बोलिकस जो हमारे पेट की जो नाभि होती है उसके ऊपर ज़्यादातर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया का हमें इन्फेक्शन होता है, एक ऐसा कंसेप्ट है। और एम्बोलिकस के नीचे जितने भी इन्फेक्शन है वो ग्राम नेगेटिव इन्फेक्शन होते हैं फ्रेंड्स। तो अभी मैं आपको एक टैबलेट के बारे में बताऊंगा। जैसे आप ये स्ट्रिप देखेंगे टैबलेट की तो ये समझ में आया होगा कि आप कभी देखे होंगे। तो ये जो है O2 टैबलेट की स्ट्रिप है फ्रेंड्स, O2। इसमें जो है क्यूनिलोन्स ग्रुप का ओफ्लॉक्सेसिन है और हेलमेंथिक्स जो है उसमें ऑर्निडाजोल बोल के एक रहता है वो इसमें एडेड है फ्रेंड। तो ये जो एंटीबायोटिक है O2, इसका एक बहुत ही अच्छा रोल है फ्रेंड्स। आपको GI ट्रैक्ट और यूरिनरी ट्रैक्ट के जितने भी प्रॉब्लम हैं, GI ट्रैक्ट मतलब पेट की समस्याएँ और यूरिनरी ट्रैक्ट मतलब जो हमारा यूरिन जहाँ से तैयार होता है और बाहर आता है, इसको हम UTI बोलते हैं। जब पे इन्फेक्शन होता है यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में, पेशाब में जलन होना, पेशाब रुक रुक के आना या पेशाब नहीं होना, तो उसको यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन बोलते हैं। और GI ट्रैक्ट मतलब पेट की समस्या, जैसा गैस है, अल्सर, पेप्टिक और गैस्ट्रिक अल्सर और लूज मोशन है, वोमिटिंग है, ये सभी कंडीशन में ओफ्लॉक्सेसिन जो टैबलेट है वो बहुत अच्छा काम करता है फ्रेंड्स। और कभी हेलमेंथिक्स है, वर्म्स हुए हैं पेट में, तो उसको भी ये कम करता है फ्रेंड्स। तो ओफ्लॉक्सेसिन के साथ इस टैबलेट में जो है ऑर्निडाजोल भी मिक्स किया गया है फ्रेंड्स। तो ये जो टैबलेट है ये 200 mg की टैबलेट होती है, इसमें ओफ्लॉक्सेसिन का जो कंटेंट है वो 200 mg रहता है और ऑर्निडाजोल जो है 500 mg रहता है। और जैसा O2 है वैसा जैनोसिन ओ बोलकर एक मैनकाइंड का भी मिलता है फ्रेंड, वो भी बहुत अच्छा टैबलेट है। O2 भी है, फिर बाकी और 2-4 ब्रांड है, वैसे बहुत सारे ब्रांड हैं जो O2 के नाम से फेमस हैं। और O2 का जो टैबलेट है, जैसा मैंने पिछले बार मैंने अल्सर का एक वीडियो बनाया था, पेप्टिक अल्सर का, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो उसमें भी मैंने बताया था कि O2 ओफ्लॉक्सेसिन का रोल बहुत अच्छा है फ्रेंड्स। बहुत ही इमेंस और पावरफुल तरीके से ओफ्लॉक्सेसिन जो है अल्सर में काम करता है। और GI ट्रैक्ट में जब आपको लूज मोशन या वोमिटिंग है तभी भी आप हम O2 वहाँ पर प्रिस्क्राइब करते हैं फ्रेंड्स। और यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में भी हम O2 प्रिस्क्राइब करते हैं फ्रेंड्स। किसी प्रकार का कोई भी प्रॉब्लम हो तो O2 जो है मेरा फेवरेट ब्रांड है फ्रेंड्स। क्योंकि मैं जब मेरे पास कोई IPD या कोई पेशेंट को मैं IV भी लगाता हूँ तो मैं उसको O2 डेफिनेटली देता हूँ फ्रेंड्स। और O2 जैसा ये टैबलेट के फॉर्म में है वैसा सिरप के भी फॉर्म में मिलता है, बॉटल के फॉर्म में, और 100 ml का IV भी मिलता है O2 फ्रेंड्स। अभी मैं बताऊँगा आपको O2 का डोज है
एडल्ट के लिए बीडी या टीआईडी भी ले सकते हैं, मैक्सिमम बीडी दिन में दो बार। पीडियाट्रिक में हम जो है ओफ्लॉक्सेसिन 100 एमजी वापरते हैं जिसका एज 10 साल से कम है। तो ओ टू एच नाम का टैबलेट मिलता है, ओ टू एच और ओफ्लॉक्सेसिन 100 और ऑनिडाज़ोल 250 एमजी। तो वो ध्यान रखिए फ्रेंड्स, ओ टू के मैं आपको बताऊँगा कि बाबा ओ टू जैसा बहुत अच्छा टैबलेट है वैसा ओ टू के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं, ओफ्लॉक्सेसिन के साइड इफ़ेक्ट भी, क्यूनिनोस ग्रुप के साइड इफ़ेक्ट्स भी हैं। बहुत से पेशेंट जैसे कि ओफ्लॉक्सेसिन में बताता हूँ कि एक वरदान है, क्यूनिनोस ग्रुप में ओफ्लॉक्सेसिन जो है एक बहुत अच्छा एंटीबायोटिक है। ये ओफ्लॉक्सेसिन या क्यूनिनोस ग्रुप जिसको चला, जिस व्यक्ति को भी चमता है चलता है उसका, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, उसको कोई बीमारी का डर नहीं रखना चाहिए, उसको जब भी हम ये देंगे वो भाग जाएगा। बट जिसको भी क्यूनिनोस ग्रुप के एलर्जी है वो मेरे ख्याल से बहुत अनफॉर्चुनेट है फ्रेंड्स, क्योंकि ओ टू जो है ये बहुत अच्छा काम करता है। अभी जैसा मैं बताया पीडियाट्रिक में भी ओ टू सिरप मिलता है, तो वहाँ पे 5 ml बीडी डोज है। इतना बताया मैंने ओफ्लॉक्सेसिन के बारे में। अभी क्यूनिलोस ग्रुप में लियोफ्लॉक्सिक टैबलेट है जिसका कंटेंट है लियोफ्लॉक्सेसिन, और जिसमें 500 mg का टैबलेट मिलता है और 100 ml का सलाइन भी मिलता है फ्रेंड्स। तो आपने जो है ध्यान में रखना है कि लियोफ्लॉक्सेसिन का डोज क्या है, वो 500 mg दिन में एक ही बार देना है फ्रेंड्स, और पीडियाट्रिक में 10 साल के बच्चों में 250 mg का एक ही टैबलेट दिन में देना है फ्रेंड्स। लियोफ्लॉक्सेसिन का मेन जो रोल है वो यूटीआई यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत अच्छा काम करता है और चेस्ट में। देखिए मैंने ओ टू का जो रोल है वो चेस्ट में नहीं बताया, बट लियोफ्लॉक्सेसिन का रोल जो है चेस्ट में बहुत अच्छा है। जैसे कि कफ है, अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, राइनाइटिस सर्दी है, खांसी है, ट्यूबरक्लोसिस है, अस्थमा है, इस कंडीशन में लियोफ्लॉक्सेसिन का बहुत अच्छा रोल है फ्रेंड्स। मार्केट में बहुत असंख्य टैबलेट हैं, सिप्ला कंपनी का लियोफ्लॉक्सेसिन है, लियोफ्लॉक्स है 500 mg का, येलसिन नाम का एक टैबलेट मिलता है 500 mg का, बहुत अच्छा है। तो ऐसा लियोफ्लॉक्स भी एक इमेंस और पावरफुल ड्रग है। इसके भी थोड़े बहुत साइड इफ़ेक्ट्स हैं, ये कभी कभी आरिथमिया पैदा करता है, हार्ट में क्यूटी इंटरवल को लॉन्ग करता है। तो लियोफ्लॉक्सेसिन का ज़्यादा उतना जो रिएक्शन है या एलर्जी है ये ज़्यादा नहीं आती है, साइड इफ़ेक्ट्स भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम है। दिन में एक बार वापरिए बस, और मिनिमम 5 दिन वापरिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो डॉक्टर को कंसल्ट कीजिए बस। फिर बाद में आता है सिप्रोफ्लॉक्स। सिप्रोफ्लॉक्स का रोल जो है, आपको अगर लूज मोशन है तो उस कंडीशन में सिप्रोफ्लॉक्स का बहुत ही अच्छा यूज़ है। प्लस सिप्रोफ्लॉक्स अगर कभी कभी आपको कोई इंजरी हुई है तो भी सिप्रोफ्लॉक्स आप यूज़ कर सकते हैं। सिप्रोफ्लॉक्स का एयड्रॉप भी मिलता है फ्रेंड्स, और एज सच नॉक्सिफ्लॉक्स का भी एयड्रॉप आपको मिलता है। नेक्स्ट आपने का इसमें जो है क्यूनिलोस ग्रुप में मॉक्सिफ्लॉक्स नाम का एक कंटेंट आता है जो कि 400 mg का उसका है, IV के फॉर्म में भी 100 ml मिलता है, थोड़ा सा हायर डोज है इसका, तो इसका यूज़ ज़रा संभल के करिए। इसका यूज़ सिर्फ चेस्ट में यूज़ करते हैं, और एब्डोमिनल में भी कोई प्रॉब्लम है या पेशाब की नली में भी कोई प्रॉब्लम है तो मॉक्सिफ्लॉक्स यूज़ कर सकते हैं, ज़्यादातर यूज़ चेस्ट में होता है। उसके बाद नाइट्रोफ्यूरेंटेन नाम का एक मैंने आपको कंटेंट बताया जो कि यूटीआई में यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो होप दोस्तों आपको क्यूनिनोस ग्रुप का और मेरे फेवरेट टैबलेट O2 का आपको पता चल गया है, इसका आइडिया आपको आ गया है। अगर आपको प्रॉब्लम है, जब भी आपको कोई फीवर या प्रॉब्लम होता है तो आपको एंटीबायोटिक लेना बहुत ज़रूरी है दूसरे टैबलेट के साथ। अगर आपकी आज की इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब हमारे चैनल को ज़रूर करो।